और बड़ी खबर, संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग ले रहे हैं। इस मीटिंग में आपको बता देते हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी इस बैठक में मौजूद हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को संसद में जवाब देना है, तो उसी सिलसिले में ये बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रियों के साथ। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं मीडिया संवाददाता रविंद्र का। रविंद्र, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मीटिंग ये देखते हुए कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, क्या इंफॉर्मेशन आपके सोर्सेज आपको दे रहे हैं, आपके पास इस वक्त क्या जानकारी है, कितनी देर पहले ये मीटिंग शुरू हुई है और कौन कौन इसमें मौजूद है? देखिए, थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है प्रधानमंत्री के कार्यालय में, संसद भवन स्थित, और इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी, प्रहलाद जोशी हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, बाकी अन्य कुछ वरिष्ठ मंत्री भी उसमें मौजूद हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरह से लोकसभा में डेडलॉक बना हुआ है उस पर भी चर्चा हो रही है कि कैसे जो विपक्षी दल हैं वो ऑन बोर्ड हो, इस बहस में भाग ले, राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा में वो शामिल हो। और वहीं दूसरी तरफ जो 8 तारीख को सोमवार को 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का जवाब है, जो एक परंपरा भी है, प्रधानमंत्री ही जवाब देते हैं दोनों सदनों में। हालांकि ये परंपरा रही है कि लोकसभा में पहले जवाब होता था उसके बाद राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में हंगामे की वजह से बहस शुरू भी नहीं हुई है, इसलिए राज्यसभा में वो जवाब देंगे क्योंकि वहाँ बहस लगभग पूरी हो गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो तैयारी है किसान बिल को लेकर, किसानों को लेकर, जो आंदोलन को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो है और विपक्षी दल के जो आरोप है, उन सब का जवाब प्रधानमंत्री सोमवार को देंगे राज्यसभा में। और कहीं ना कहीं ये साबित हो जाएगा उस दिन कि जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश में शामिल लोग हैं वो सब कुछ कहीं ना कहीं बेनकाब हो जाएंगे प्रधानमंत्री के उस जवाब में। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार, बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस वक्त कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या हो इस पर इस वक्त चर्चा चल रही है। आगे इस खबर से जुड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।